मगर शक्तिमान का मकसद तमराज किल्विश को मारना नहीं है, अंधेरे का प्रतिकार करना है। हर उस व्यक्ति का प्रतिकार करना है जो पक्षधर है अंधेरे का। इसलिए मेरी निगाहों में तमराज किल्विश हो या तुम, या कोई भी व्यक्ति जो अंधेरे का पक्षधर हो, सब एक समान है। शक्तिमान का प्रण है वो किसी का वध नहीं करेगा, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मगर तुम्हारी सारी ताकत छीन लूंगा, ताकि तुम उस ताकत के बल पर संसार में पाप न फैला सको। तुम भूल कर रहे हो शक्तिमान, मगर याद रखना, मैं फिर दोबारा आऊंगी और मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी मेरा साथ देने पर। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, याद रखना, याद रखना। गायब हो गई। शक्तिमान कॉमिक्स का ऑफिस, ये रहा हमारा रिसेप्शन, और यहाँ बैठ सकते हैं हमारे गेस्ट, और यहाँ स्टाफ बैठ सकता है, और ये रहा हमारे आर्टिस्ट का केबिन, और यहाँ हमारे अकाउंटेंट वगैरह वगैरह बैठ सकते हैं, और ये रहा हमारे एडिटर का स्पेशल केबिन, और यहाँ भी हमारा दूसरा स्टाफ बैठ सकता है, और ये रहा हमारी दीदी और मानसी बेटे के लिए केबिन। देखो कितना अच्छा डेकोरेशन है मानसी बेटे, तुम्हें पसंद है ना? मुझे मालूम था कि मेरी पसंद का ऑफिस तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बिल्कुल भी नहीं मामू। हाँ, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझे ये जगह अपने ऑफिस के लिए पसंद आएगी? मामू, ये किसी भी एंगल से मेरे कॉमिक्स का ऑफिस नहीं लगता है। ओ गॉड, लेकिन इसमें सब कुछ तो है बेटे, स्टाफ के बैठने के लिए इतनी सारी जगह, एडिटर का केबिन और हमारे आर्टिस्ट के लिए स्पेशल केबिन, और तुम्हें क्या चाहिए? एक डिफरेंट लुक मामू, एक डिफरेंट लुक। मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑफिस जो है वो बाकी सारे ऑफिस से बिल्कुल अलग हो। यू नो व्हाट आई मीन टू से, कि हम लोग जैसे ही एक ऑफिस में एंटर करें तो ऐसे ना लगे कि हम लोग ऑफिस में एंटर कर रहे हों, ऐसे लगे कि हम लोग एक कॉमिक्स की दुनिया में एंटर कर रहे हों। यू नो लाइक अ फैंटेसी। क्यों गीता, मेरी सोच सही है ना? बिल्कुल मानसी जी। अरे ये जीवी क्या होता है? गीता, मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ और अगर बड़ी भी होती तो क्या हुआ? मैं चाहूंगी कि ऑफिस में सारे लोग एक दूसरे को नाम लेकर पुकारें, ओके? कोई एक दूसरे को छोटा या बड़ा ना समझे, बिल्कुल बराबर समझे। यू राइट मानसी, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि जिस ऑफिस में कोई ईगो क्लैशेस ना हो, कोई भेदभाव, बड़ा छोटा ना हो, उस ऑफिस में काम हमेशा अच्छा होता है। और देख लेना, हमारे ऑफिस में भी काम को पूजा मान के किया जाएगा। लेकिन पहले एक लायक जगह तो मिले ऑफिस के लिए, ऐसे कब तक चलता रहेगा मामू? मामू, वक्त हमारे हाथों से निकला जा रहा है, और आपको तो मालूम है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ऑफिस कभी नहीं बन पाएगा। अरे ऐसी बात क्यों करती हो मानसी बेटे, अगर तुम्हें ये ऑफिस पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंने एक और जगह देख रखी है। कहाँ? यही पास में है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक हॉल है और कुछ नहीं है। सिर्फ एक हॉल? हाँ, क्योंकि मानसी बेटे को चाहिए डिफरेंट लुक वाला ऑफिस, तो उस हॉल में डिफरेंट लुक वाला ऑफिस बनाया जा सकता है। यस यू आर राइट गीता, वैसे मामू का आइडिया बुरा नहीं है, है ना? और वैसे भी जिस तरह का ऑफिस मुझे चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे वैसा बना बनाया ऑफिस मिल सकता है, तो बेहतर यही होगा कि हम लोग एक खाली जगह में अपने ढंग का एक ऑफिस बनवाएं। मामू, आपने ये मुझे पहले आइडिया क्यों नहीं बताया? और वैसे भी मामू, आप तो जानते हैं ऑफिस बनाने के लिए कितना समय लगता है, मतलब तब तक हमारा काम शुरू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब तक वो ऑफिस बन रहा है, हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो हम कल से यहाँ काम शुरू करें। Why not? Not a bad idea. लेकिन इससे पहले हमें अखबार में एक एड देना पड़ेगा कि हमें और स्टाफ चाहिए। लेकिन क्यों गीता, हमारे पास आज की आवाज के स्टाफ मेंबर्स तो है ही। लेकिन कॉमिक्स के काम के लिए इसके अलावा भी हमें स्टाफ चाहिए ना? जैसे कि पेंटर्स, स्केचर्स, डायलॉग राइटर्स वगैरह वगैरह। ओके ओके, जैसे तुम ठीक समझो। तुम्हें जितने भी आदमियों की जरूरत है तुम मामू को बता देना, वो पेपर में ऐड दे देंगे। ओके। और हाँ गीता, या कोशिश करके तुम शक्तिमान से मिल लो, और हो सके तो आज ही। ओके हाँ, लेट्स गो। ओके शक्तिमान।
तूने मेरे दोस्ती के हाथ को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तूने। अगर मेरा नाम भी जादूगरनी तिमिरा है, मैं तुझे अपना साथी बनाकर ही छोड़ूंगी। हाँ, मैं तुझे अपना साथी बनाकर ही छोड़ूंगी। तेरी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी, और वो तेरी कमजोरी हाथ लगते ही तू मेरा गुलाम होगा, तू मेरा गुलाम होगा शक्तिमान। शाम हो चुकी है, मुझे जल्दी ही पहुंचना होगा। गंगाधर को भी कहां पता होगा कि मैं उसके घर आ रही हूं। लेकिन क्या सचमुच गंगाधर के घर जाना ठीक होगा? क्यों नहीं, मुझे कॉमिक्स के लिए शक्तिमान की कहानी चाहिए, और वो कहानी मुझे गंगाधर के घर से ही मिल सकती है। मुझे कहानी के लिए उसके घर जाना ही होगा। लेकिन लेकिन मेरे प्रण का क्या होगा? मैंने तो प्रण लिया था कि मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं गई तो कॉमिक्स के लिए कहानी कहां से मिलेगी? मैंने तो मिसेस शर्मा को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे शक्तिमान की कहानी दूंगी। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं जाती हूं तो शक्तिमान की कॉमिक्स के लिए कहानी नहीं मिलेगी, और अगर मैं गई तो मेरा प्रण टूट जाएगा। इस गंगाधर को भी क्या जरूरत थी कॉमिक्स के ऑफिस में काम करने से मना करने की? अगर वो खुद चलाता तो नहीं, उसने मेरी वजह से कॉमिक्स के ऑफिस में काम करने से मना किया है, क्योंकि वो खुद मेरे सामने नहीं आना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी वजह से मेरा प्रण टूटे। फिर मुझे भी उसके घर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उसके घर। नहीं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं उसके घर। लेकिन शक्तिमान की कहानी, उसे तो सिर्फ गंगाधर से ही हासिल किया जा सकता है। कैसे कैसे कर पाऊंगी मैं ये? कैसे ले पाऊंगी शक्तिमान की कहानी गंगाधर से? कैसे? कमाल है, आज कोई दुर्घटना नहीं पहले पेज पर। काश हमेशा ऐसा होता रहे। शक्तिमान की कॉमिक्स का विज्ञापन, आखिर देखूं तो सही क्या लिखा है इन्होंने इसमें। भारतीय महानायक शक्तिमान की सच्ची कहानी को कॉमिक्स के रूप में लोगों के सामने जल्द ही लेकर आ रहे हैं भीष्म पब्लिकेशन। सच्ची कहानी? मेरी सच्ची कहानी मुझे अभी तक पूरी तरह नहीं पता, तो ये लोग कहां से लेकर आएंगे कॉमिक्स में? जिसके नव निर्मित कार्यालय के लिए निम्न पदों की आवश्यकता है: चित्रांकन विभाग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, संवाद लेखक लेखिका, साक्षात्कार 20/11/2000 प्रातः 11 बजे। योग्य व्यक्ति अपने प्रमाण पत्रों के साथ निम्नलिखित पते पर पहुंच जाए। मेरी सच्ची कहानी गीता विश्वास कहां से लाएगी? आखिर क्यों दिया इस तरह का विज्ञापन गीता विश्वास ने अखबार में? भारतीय महानायक शक्तिमान की सच्ची कहानी को कॉमिक्स के रूप में लोगों के सामने जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। ओह, तो मुझे शक्तिमान से मिलने के लिए इस कॉमिक्स के ऑफिस में जाना होगा। आज इस नए ऑफिस में आने के पहले हम पहले तिरुपति बालाजी का पूजा किया। हटो, 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 हटो भाई, हटो, 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 हटो भाई, भारी है। ए भाई, देख के चलो, मैं गिर जाता तो ये ऑफिस है क्या? अनाज का गोदाम है। क्या हुआ,
क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं, बोलता नहीं है, रद्दी उठा के लाया, धक्का मारता है ये, है? ये सब क्या है? क्या है? एप्लीकेशन? हाँ, वॉचमैन ने दिया। हम लोग दोपहर को आए, मगर लोग सुबह से आ रहे एप्लीकेशन देने के लिए। ऑफिस बंद था, वॉचमैन को देके गए। अय्या सुधांशु जी, हाँ? ये इतना सारा एप्लीकेशन है, बोरा भर के एक दिन में आया जी? सचमुच देश का दारुण दशा एकदम खराब। कितना बेरोजगारी है, इतना इतना एप्लीकेशन नौकरी के वास्ते? कमाल हो गया हा? एड सुबह छपी और दोपहर तक इतने सारे एप्लीकेशन भी पहुंच गए। सिलेक्शन करना सचमुच बहुत टफ होगा गीता। सिर्फ चार पदों के लिए इतने सारे एप्लीकेशन? चार नहीं, एक, केवल एक कहो सुधांशु। वणकम मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते। हमें चार आदमियों की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आदमी की जरूरत है। मगर मिसेस शर्मा, दरअसल कल मैं तुम्हारे साथ आई नहीं थी। अगर तुम पूछती तो मैं तुम्हें बता देती। कलरिंग और स्केचिंग के लिए जिन्हें मैंने रखना है वो मैं तय कर चुकी हूँ। ये है मिस्टर मिताई बोस, ये कलरिंग करेंगे। नमस्कार, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ काम करते हुए। और तुम्हारा हिंदी तो बहुत अच्छा है। और ये है मिस्टर प्रभाकर द्विवेदी। नमस्कार। नमस्कार। और ये है मिस्टर श्यामानंद तेलंग। नमस्कार। नमस्कार। और ये दोनों स्केचिंग करेंगे। बस अब संवाद बचता है। इन एप्लीकेशंस में जिन लोगों ने संवाद लेखक के लिए अप्लाई किया है उनमें से एक को तुम चुन लोगी था। ओके। और हाँ सुंदर, अब तुम घर में नहीं ऑफिस में काम करोगे। देखना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। दीदी, बाकी लोग, मेरा मतलब है आज की आवाज से आए हुए लोग, क्या क्या कर रहे हैं ये भी तो तय करना है ना। मामू, इन सबको ऑफिस लेकर आने वाली गीता है, तो यही इन सबको बताएंगी कि ये कौन कौन सा काम संभालेंगे। तुमने अब तक इन्हें बताया नहीं गीता? यस, अभी बताने वाली थी। ये तय करेगी? कहीं पुरानी दुश्मनी याद करके मुझे घटिया पोस्ट ना दे दे। लीला लौटलीकर, तुम लीला, तुम कहाँ चली? मैंने तो अभी तक तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे पता है गीता, तुम मुझे रिसेप्शन पर ही भेजोगी, क्योंकि सबसे बेहतर काम मैं यही कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे कोई दूसरा काम देती तो भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करके यही काम मांग लेती। मैंने भी तुम्हारे लिए यही पोस्ट सोच के रखा है। थैंक यू, इट्स ऑल राइट। यानी ये सबको वही काम देगी जो हम आज की आवाज में करते थे। इसका मतलब मेरे लिए सब एडिटरी पक्की। हमारे सब एडिटर होंगे सुधांशु जी। स्वामी जी। हम गीता जी। जी आप। थैंक यू वेरी मच गीता जी, आपने इस नए ऑफिस के साथ साथ हमको प्रमोशन भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जी। आई प्रॉमिस यू आई वॉन्ट लेट यू डाउन। थैंक यू वंस अगेन जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। स्वामी को प्रमोशन देने का मतलब मेरा डिमोशन कर रही है ये। प्रूफ रीडिंग करेंगे घोष बाबू। भालो, खूब भालो। थैंक यू गीता, थैंक यू। और हेमल, तुम कंप्यूटर ग्राफिक्स पर काम करोगे। थैंक यू वेरी मच दीदी, इट्स ऑल राइट। सबको सब कुछ दे दिया, फिर मुझे क्या देगी? क्या मुझे यहाँ भी चाय बनानी पड़ेगी? और सुधांशु जी होंगे हमारे कॉमिक्स के एडिटर। क्या इतनी ठंडी से आई हो गीता? स्वामी जी, मैं एडिटर बन गया हूँ। कोच बाबू, ओल लीला, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू गीता। लेकिन मैं तो यह सोच रहा था कि कॉमिक्स के एडिटर की पोस्ट तो तुम संभालोगी, या फिर मिसेस शर्मा या मिस मानसी। नहीं नहीं, मॉम को वैसे भी अपनी बाकी कामों से फुर्सत नहीं। और रही मेरी बात, मैं तो अभी अभी आई हूँ इस फील्ड में। थोड़े दिन आप लोगों के साथ काम करूंगी, तभी तो कुछ सीख पाऊंगी। और रही गीता की बात, मैंने अपना डिपार्टमेंट पहले से ही डिसाइड कर लिया है। मैं कहानियाँ लिखूंगी, यानी कि मेरा डिपार्टमेंट है स्टोरी डिपार्टमेंट। क्योंकि गीता अमेरिका से इंडिया सिर्फ इसीलिए आई है। शक्तिमान के जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सिर्फ गीता ही लिख सकती है, और कोई नहीं। हाँ, बस मुझे एक डायलॉग राइटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी डायलॉग राइटिंग, खास करके शुद्ध हिंदी, इतनी अच्छी नहीं है।
हाँ गीता, अच्छा याद आया, कल किसी तिमेरा ने आसमान पर लिखकर शक्तिमान को मारने की चेतावनी दी थी। उस वक्त तुम्हारा इंटरव्यू भी टीवी पर आ रहा था। हाँ, उस टॉपिक पर मेरी गीता से ऑलरेडी बात हो चुकी है। मॉम, इसने इंटरव्यू में कहा था कि इसे उस तिमेरा के बारे में या फिर शक्तिमान के बचपन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि उस वक्त इसे उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि ये हमारे कॉमिक्स के लिए काम कर रही है, इसलिए हमें इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो इसे वो जरूर पता लगा लेगी। क्यों गीता? मैं कोशिश करूंगी। अयो 100% पता कर लेगी मानसी जी, 100% पता कर लेगी। अयो गीता जी पता नहीं करेगी तो और कौन करेगा जी? आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, गीता जी वॉज वेरी क्लोज टू शक्तिमान। शक्तिमान अपना सारा बात गीता जी को जरूर बताता है जी। फिर भी कल तुम्हारा मैं एक और टीवी इंटरव्यू करवाना चाहूंगी। ये इंटरव्यू हमारे कॉमिक्स के लिए अच्छी पब्लिसिटी होगी। इस इंटरव्यू में खास तौर पे तुम्हें ये मेंशन करना है कि शक्तिमान से जुड़े हुए जिन सवालों के जवाब तुम्हें नहीं पता, उनके बारे में तुम जल्द ही पता कर लोगी, और किसी भी कीमत पर कॉमिक्स को शक्तिमान की सच्ची कहानियाँ ही दोगी। जी, आई प्रॉमिस। वेल, तो मॉम, आज का सारा काम तो खत्म हो ही चुका है, तो अब आप छुट्टी कर दें। वैसे भी आज ऑफिस का पहला दिन है और काम तो चल ही रहा है। छुट्टी होने की वजह से ऑफिस के जितने भी वर्कर्स हैं, आई मीन टू से वो जो पेंटर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, वो अपना अपना काम प्रॉपर्ली खत्म कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे ऑफिस के समय पर। ओके जी, बाय 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 एवरीबॉडी। मैं हंसा पटेल, मैं बहुत बेहतर संवाद लिख सकती हूँ और मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले लीजिए। ओ, तो आप अखबार में वैकेंसी के ऐड पढ़ के आई हैं? वो क्या है ना कि आज ऑफिस का पहला दिन है तो सबकी छुट्टी जल्दी हो गई है। क्या आप कल आ सकती हैं प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू, बाय। एक्सक्यूज मी जी, आप कहाँ तक जा रही हैं? JVPD नगर। क्यों, मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे सकेंगी? व्हाई नॉट, कम अलोंग। थैंक यू। एक बात बोलूं? क्या? सचमुच तुम बहुत खुशकिस्मत हो। क्यों? क्योंकि शक्तिमान जैसी शख्सियत के इतने करीब जो रहती हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? जब तुम शक्तिमान के इतने करीब हो तो तुम उसके बचपन के बारे में क्यों नहीं जानती? बैठो। या बताओ ना गीता, शक्तिमान के इतना करीब रहने के बाद तो तुम्हें पता ही होगा कि। एक्सक्यूज मी हंसा, ये क्या करीब करीब की रट लगा रखी है? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं शक्तिमान की, मेरा मतलब है मैं शक्तिमान के आदर्श, वो जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी फैन हूँ। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि अगर आप किसी आदर्श व्यक्ति के फैन हैं तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। सच कह रही हो तुम, क्योंकि कभी कभी अपनों से ज्यादा दुश्मनों को पता रहता है। हाँ, अब तिमिरा को ही देखो, उसको शक्तिमान के बचपन के बारे में सब पता है। मगर नहीं, अच्छा तो तब होता जब शक्तिमान की फैन गीता विश्वास को सब कुछ पता होता, क्योंकि शक्तिमान की सभी बातें गीता विश्वास को पता होनी चाहिए। क्यों गीता, ठीक कहा ना मैंने? कौन हो तुम? गीता विश्वास। क्या?